जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सौरभ द्विवेदी सील डिफेंस एकेडमी की तरफ से। हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन पूरा हो गया है, रिवीजन में थोड़ा सा पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। और आज हमारा पॉइंट है सेल डिवीजन का, और इसे हम जल्दी से देखते हैं। देखो, सेल साइकिल या सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों होती है? जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज कर जाता है तो सेल को डिवीजन की आवश्यकता होती है और वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछे जाते हैं फेजेस कितने होते हैं, कितने फेज होते हैं सेल साइकिल में। तो याद रखना, दो फेज होता है, एक इंटर और एक एम फेज। इंटर फेज जो जिस सीक्वेंस से लिखा है उसी सीक्वेंस से याद रखना, फर्स्ट G1 देन S देन G2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह पूछा जाता है और वो है, आपके भी टेरिटोरियल आर्मी में आया हुआ था कि DNA का रिप्लिकेशन यानी DNA का डिवीजन किस फेज में होता है, तो वो आंसर है S फेज। याद रखना, S फेज में ही DNA का रिप्लिकेशन होता है। फिर हम इसे नहीं देखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। बस हमें यही याद रखना बेटे कि DNA रिप्लिकेशन, याद रखना DNA रिप्लिकेशन का जीवन में कोई रोल नहीं है, केवल और केवल किस में होता है, S फेज में होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, वो बड़ा अच्छे लेवल का है, कि जब DNA रिप्लिकेट करता है तो क्या अपने नंबर्स को रिप्लिकेट कर लेता है? मतलब अगर DNA आपके एक सेल में DNA 46 है तो क्या ये 92 हो जाता है? नहीं बेटा, ये अपने कंटेंट को, जैसे अगर 1 लीटर है तो वो 2 लीटर हो जाता है। ठीक है, आ जाओ एम फेज में। एम फेज जो है बेटा, ये हमारा डिवीजन फेज होता है, और यहाँ पे एम का जो सिंबलाइजेशन है दैट इज़ द माइटोसिस। देखो बेटा, मैं डिवीजन ही कहूँगा क्योंकि एम फेज में डिवीजन फेज तुम्हारा माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। डिवीजन में सबसे पहले जो होता है बेटे वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो अब ऐसे समझो, जैसे भाई एक कोई सेल है, तो सवाल ये बन सकता है कि सेल में सबसे पहले डिवाइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये सेल रखा, अब इसको एक न्यूक्लियस होती है सेल के अंदर, आपने ऐसे डिवाइड कर दिया, तब तो एक सेल के पास तो न्यूक्लियस चला जाएगा, दूसरा सेल तो केवल साइटोप्लाज्म से होगा, तो ये डिवीजन तो सही नहीं है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियर को, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियोप्लाज्म के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो का वर्ड का मतलब होता है बेटे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर हमारे पास एक है NCERT का टर्म है, डेट इज़ द क्वाइसेंट स्टेज। क्वाइसेंट स्टेज में अभी एक एग्ज़ाम होता है नीट, उसमें सवाल आया था। होता क्या है बेटा क्वाइसेंट स्टेज में, जैसे आप इंटर, जैसे ये G1 है, S है, G2 है, ये आपका इंटर फेज है, और थोड़े ही देर में आपका M फेज आ जाता है। तो जैसे सेल डिवाइड करने के लिए G1 में गई, अब उसका मन कर गया, नहीं भाई यार डिवीजन नहीं करना, तो वो डिवीजन जो G1 के बाद से वो रुक जाती है। ठीक है, बट वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है, बट वो डिवाइड नहीं करती, मतलब डेड नहीं होती है सेल, वो जिंदा रहती है, बस अपने आप को डिवीजन की तरफ नहीं ले जाती है। इसे हम G0 फेज के द्वारा दिखाते हैं। ये एक डायग्राम है बेटा, इसे ज़रूर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड, यहाँ से एक सवाल है कि अब ज़रा इंटर फेज देखो, ये G1 भी इंटर है, S भी है, ये पूरा इतना एरिया इस सर्किल का बेटा इंटरफेज है। तो कहा जाता है अगर 90% जो 90% के 99% टाइम सेल उसके लिए रखती है इंटरफेज के लिए, ठीक है, और लगभग 1% टाइम में, मतलब ये मान के चलो ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटे में 23 घंटा वो इंटरफेज में होती है और 1 घंटे में वो डिवाइड कर लेती है। अब हम जल्दी से हम माइटोसिस को देखते हैं। माइटोसिस में आप देखेंगे माइटोसिस के 4 सब सेल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, और एना और टीलो। मैं जल्दी से बता दूंगा आपको याद क्या रखना है इसमें। प्रोफेज में आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप,
ये जो होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और न्यूक्लिया जो सेंट्रोसोम में मैंने बताया था कल, ये न्यूक्लियस के सेल डिवीजन में मदद करता है। उसमें क्या होता है, ये अपने अपने सेंट्रियोल में टूट के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। जैसे ये कोई सेल है तो एक सेंट्रियोल इधर और एक सेंट्रियोल इधर मूव कर जाता है। मेटाफेज में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेटफॉर्म होती है, सारे क्रोमोसोम एक ऐसे इक्वेटर पे जाके अरेंज हो जाते हैं। और ये सेल है आपका और ये आपके सेंट्रियोल, ऐसे ही स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये जाके इनसे अटैच हो जाते हैं, आगे देखेंगे उसमें। एनाफेज में क्या होता है, अब जो क्रोमोसोम होता है बेटा, ठीक है, जब से आप एक क्रोमोसोम को देखते हो तो एक क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है, आपको देखना। ये ऐसे बीच से टूट जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम दो जो पार्ट थे, इन दोनों पार्ट को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो याद रखेंगे क्रोमेटिड स्प्लिट कहाँ होता है, ठीक है, और जस्ट मूव अपोजिट तरफ की तरफ मूवमेंट शुरू करता है, पहुंचता नहीं है बेटा। ये एनाफेज में क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं सेंट्रियोल से, सेंट्रोमियर से, और वो मूव करते हैं। ये जैसे ये था ना, ये टूटा तो आधा पार्ट इधर की तरफ मूव करेगा और ये आधा इधर की तरफ मूव करेगा। सेंट्रियोल खींच रहा होगा, सेंट्रोसोम खींच रहा होगा इसको स्पिंडल फाइबर की मदद से। टीलोफेज में ये पहुंच जाते हैं अपने अपोजिट पोल पे, ठीक है, और फिर से न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो चीज़ें गायब होती हैं वो हो जाती हैं। देखो यार, इसमें सबसे मिलने की बात है, चार पॉइंट हैं, ठीक है। पहला ये पूछा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस कब डिसअपियर होते हैं। दूसरा पूछा जाता है मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तीसरा ये भी पूछ लेते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो बीच में पाया जाता है, यानी जो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, डेट इज सेंट्रोमियर, ठीक है। एनाफेज में ये पूछा गया था आपके टेरिटोरियल आर्मी में या कोई अभी सीडीएस में आया था कि किस फेज में जस्ट मूव होते हैं, तो एनाफेज कर देना। टीलोफेज में वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। अब देखो दो तरह का ये डिवीजन के सारे हैं, ठीक है, इसको जरा सा देखते चलो। ये अभी मैं आपको बता रहा था, इसे मूव हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस, देखो दो तरह का होता है साइटोकाइनेसिस। एक तो होता है भैया सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्लेट बन जाती है बीच में, जैसे ये सेल है ऐसे प्लेट बन गई, ये इधर डिवाइड हो गए, ये इधर अट गया। एक होता है बेटा उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, फरो फॉर्मेशन। जैसे ये सेल है तो इधर दबेगी, इधर दबेगी, तो ये इस तरह का एक रूप लेता चला जाता है, बाद में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। तो बस आपको दो चीज़ याद रखना है, फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल में होता है क्योंकि बेटा उसकी जो लेयर होती है ना, सेल वाल तो होता नहीं है, तो सेल वाल ना होने के कारण थोड़ी लचीली होती है, तो अंदर की तरफ दब जाती है। बट जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है ना, ये प्लांट के लिए है, प्लांट के अंदर आप दबा नहीं सकते ना बाउंड्रीज को, तो वो क्या करते हैं, अंदर से प्लेट फॉर्म करते हैं और डिवाइड कर जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, डेट इज द सिंसाइटियम। जब कभी कभी ये बताइए, जैसे ये आपका सेल था, इसके अंदर आपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, ये जो डॉट है वो आप न्यूक्लियस समझिएगा। अब आप इसको अगर तोड़ेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक सेल मल्टी न्यूक्लेटेड नहीं हो गया भाई, मल्टी न्यूक्लेटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, मान लो फिर ऐसे हो गए, तो ऐसे ये पड़े रहते हैं। तो मल्टी न्यूक्लेटेड जो कंडीशंस होती है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ बट उसने साइटोकाइनेसिस को नहीं फॉलो किया। साइटोकाइनेसिस में आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे, कैरियो में न्यूक्लियस बना चुके होते हैं। अब जरा सा देखेंगे माइटोसिस के बारे में, ठीक है। माइटोसिस जो होती है वो हमारे क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, लिख लेना इसको, सोमैटिक सेल्स, यही सवाल पूछा जाता है। और तीसरा पॉइंट, ये हमारे क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस करके रखती है, मेंटेन रखती है, बस इतना ही है, इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा नहीं है। मियोसिस देख लो, मियोसिस में तीन चार पॉइंट बड़े अच्छे अच्छे हैं। मियोसिस जो होती है, सबसे पहले याद रखना कि जो मियोसिस होता है वो किस में होता है, हमारे जो गैमेट फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, यानी जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जर्म सेल्स हैं जो हमारे स्पर्म फॉर्म करते हैं, ओवा फॉर्म करते हैं, वहाँ पे मियोसिस होता है।
मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं और इसमें एक सेल से चार सेल बनती है, जबकि माइटोसिस जो होता है उसमें एक सेल से दो ही बनती है। तो मियोसिस में ऐसे होता है, एक सेल होती है उससे चार डॉटर सेल बनते हैं, और यहाँ पे अगर मान लो 2n है तो ये सारी की सारी n होती हैं। तो भाई ये रिडक्शन तो हो ही गया ना, 2n से n में जाना घटना तो हो ही गया। और जो बेटा आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस में कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, एक सेल से दो सेल तो बनती हैं बट 2n हमेशा 2n के फॉर्म में होता है। मियोसिस में देखना, इसके प्रोफेज को, मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फोकस करना है उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज जो फर्स्ट होता है उसमें पांच पार्ट होते हैं, पांच फेजेस हैं, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैकेटिनी, डिप्लोटिनी एंड डायाकाइनेसिस, ठीक है। और मियोसिस सेकंड में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो एज एकदम इक्विवेलेंट होता है किसके, माइटोसिस के। लेप्टोटिनी में ये बस एक चीज़ याद रखना कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जाइगोटिनी से ही हर चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, उसको याद रखना है। पहली बात तो एक प्रोसेस होता है सिनेप्सिस। इसमें क्या होता है, जैसे आपके जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे क्रोमोसोम हैं इधर उधर वो पास आ जाते हैं और इस तरह से पेयरिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनेप्सिस। अब देखिएगा, ये जब ये पेयरिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड। पैकेटिनी में ज़रा देखिएगा, पैकेटिनी में एक चीज़ याद है कि पैकेटिनी में एक पॉइंट याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर, बस यही पूछा जाता है। ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो जाती है, ये क्रॉसिंग ओवर पैकेटिनी में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है ये जान लो, क्रॉसिंग ओवर इसलिए होता है कि हम अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। क्यास्मेटा फॉर्मेशन ये आपसे पूछा गया है, यही याद रखना है कि क्यास्मेटा फॉर्मेशन कहाँ होता है। क्यास्मेटा फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा डिप्लोटिनी में होता है। डायाकाइनेसिस एक तरह से वही जैसे आपने पिछले वाले प्रोफेज में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे ये होता था कि जो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो जाती थी, ठीक। उसके बाद मेटाफेज प्लस और एनाफेज फर्स्ट। मेटाफेज में क्रोमेटिड्स फिर से, वो क्रोमोसोम फिर से अपने इक्वेटोरियल लाइन में अरेंज हो जाते हैं, बट इस बार याद रखना क्रोमोसोम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बीच से तोड़ के अलग अलग कर लिए। क्रोमोसोम इस बार कैसा है, क्रोमोसोम इस बार इस तरह से। तो भाई अब ये रिडक्शन कैसे होगा, अब भाई ऐसे दो दो के जोड़े करोगे तो आपके पास ये लाइन कितनी बनेगी, 23 ना, क्योंकि भाई आपके 46 क्रोमोसोम हैं। अब जब आप खींचना शुरू करोगे तो ये बीच से टूट जाएंगे, आधे इधर, 23 और 23 इधर, इसीलिए बेटा इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे क्रोमोसोमल डिवीजन कहाँ होता है मियोसिस में, और क्रोमेटिड कहाँ डिवाइड करते हैं। तो क्रोमेटिड आपको भी मैंने दिखाया था कि वो आपके माइटोसिस वाले फेज में डिवाइड होते थे, अभी आपने ऊपर देखा था, क्योंकि वो इस तरह से थे, आप कहते थे होमोलोगस क्रोमेटिड्स ऐसे मूव कर गए। तो क्रोमेटिड का डिवीजन हमेशा माइटोसिस में होता है, और जो मियोसिस फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ वो एज इट इज़ लाइक, एज लाइक होता है माइटोसिस। तो आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है सर वो मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट यानी जो आपका ये है क्या कहते हैं इसको, एनाफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम का डिवीजन की बात करोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट में, और अगर क्रोमेटिड की बात करोगे तो वो एनाफेज सेकंड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा वो इस तरह से अरेंज होते हैं। फिर से आपको दो तीन पॉइंट याद रखना इसको, ठीक है, कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है और क्रोमेटिन क्यास्मेटा फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, यही सवाल पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा पोर्शन है, ठीक है, और जिसको इसमें से प्रॉब्लम होगी एक बार रीड कर ले और मुझसे नेक्स्ट में पूछ ले, मैं बता दूंगा उसे, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसका मतलब
इसमें जो सिग्निफिकेंस है या क्या इम्पोर्टेंस है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा ये वेरिएशन को काज करता है, ठीक है, और क्रोमोसोम के नंबर को भी कहीं ना कहीं मेंटेन कराता है। और गैमीट फॉर्मेशन, जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि ये स्पर्म या ओवा बनाने में मदद करता है, तो ये वहीं पे डिवीजन ही होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीएल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब करो, ओके।